सबसे पहले हम दाएं तबले को बजाना सीखेंगे। इसको बजाने के लिए जो हमारी रिंग फिंगर है दाएं हाथ की, इसके ऊपरी हिस्से को, रिंग फिंगर की टिप को हम मैदान पे रखेंगे और बिल्कुल स्याही के साथ लगा के रखेंगे, और छोटी उंगली को गजरे पे रखेंगे, बड़ी उंगली उठा के रखेंगे हमेशा, और पहली उंगली का जो पहला हिस्सा है उससे हम किनार पे हिट करेंगे, तो ये ऐसी आवाज आएगी। फिर से इन तीनों उंगलियों की पोजीशन देखिए, रिंग फिंगर जो है मैदान पे है वो स्याही के साथ, और छोटी उंगली को गजरे पे रखना है, बड़ी उंगली को उठा के रखना है, और पहली उंगली के पहले हिस्से से किनार पे हिट करना है, और जो अंगूठा है वो उंगली के साथ थोड़ा थोड़ा मूव करता है और आके गजरे पे टिक जाता है। ये किनार पे हिट करना है, मैदान या स्याही पे हिट नहीं करना है, इसको किनार पे हिट करना है, और किनार के बाहर भी हिट नहीं करना, यहां पे आवाज नहीं आएगी, इसको मैदान के पास ही किनार के ऊपर हिट करना है। और ये ध्यान रखना है कि बड़ी उंगली जो है वो टच नहीं करनी चाहिए स्याही पे, सिर्फ एक ही उंगली चलेगी। इसको हम ता या ना बोलते हैं, ता ना। इसके बाद हम बाएं तबले को बजाएंगे। बाएं तबले को बजाने के लिए हथेली का जो नीचे वाला हिस्सा है जहां से कलाई शुरू होती है, इसे हम मैदान पे रखेंगे, और स्याही की दूसरी तरफ हम दोनों उंगलियों से, बड़ी उंगली और रिंग फिंगर, इन दोनों से, दोनों के ऊपरी हिस्से से बिल्कुल हम हिट करेंगे, और ऐसे हिट करके अंदर को खींच लेना है। यह ध्यान रखना है कि किनार पे या स्याही पे हिट नहीं होना चाहिए, ये मैदान पे ही हम हिट करेंगे। इसको ऐसे रगड़ना नहीं है, इस पे ऐसे रगड़ना नहीं हाथ को, यही मैदान से उठाना है। और ध्यान रखना है कि आपके जो नाखून हैं वो ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, अगर ये ऐसे स्याही पे हिट होंगे तो इसको उखाड़ सकते हैं स्याही को यहां से, तो स्याही पर भी ये लगना नहीं चाहिए, मैदान पे ही हिट करके ऐसे उठाना है। अगर धीरे धीरे आपको शो करूं, हिट करके अंदर की तरफ खींच लिया जाता है, और इसी तरह से पहली उंगली से, इंडेक्स फिंगर से भी हम उसी टेक्निक से हिट करेंगे, ऊपरी हिस्से से, ये जब दो उंगलियां हिट करते हैं तो ये थोड़ी डीप साउंड है, गहरी साउंड है, इसको घे बोलेंगे, घे। और जब पहली उंगली से हिट करेंगे तो ये सॉफ्ट आवाज है, इसे गे बोलेंगे, घे गे घे गे घे गे। और दाएं पे ना ना, ये जो दाएं पे बोल है किनार पर, इसको ता या ना बोल सकते हैं, तो इसे हम बोलेंगे ना ना। बाएं पे घे घे और दाएं पे ना ना, ये बजाते समय ध्यान रखना है जो हमारी रिंग फिंगर है दाएं हाथ में, इसको ज्यादा स्लिप नहीं करना और उठाना भी नहीं है, अगर इसे उठाएंगे तो ये ओपन साउंड हो जाएगा, पर हमें ये आवाज चाहिए, इसको यहां रख के ना ना, तो रिंग फिंगर को हिलाना नहीं और उठाना नहीं, एक जगह पे टिका के रखना है, घे घे ना ना, घे घे ना ना।
जो मैंने बातें बताई इन सब का ध्यान रखते हुए आप घे घे नाना की प्रैक्टिस कीजिए।